वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे। दोस्तों आज ये क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले जो है अपन दो क्लासें करवा चुके हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, ये क्लास नंबर थर्ड रहने वाली है। क्लास नंबर थर्ड है जिसमें अपन MCQ डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो गाइज मैं बता देता हूँ आपको, आज का अपना टॉपिक है नर्सिंग थ्योरी का, नर्सिंग थ्योरी जिसके अंदर अपन टॉट भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि हु इज नोन एज लेडी विद लैम्प, कि लेडी विद लैम्प जो है वो कौन कहलाता है। पहला ऑप्शन आप सभी के मदर टेरेसा, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटेंगल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जल्दी सी राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन सी जो है वो राइट होने वाला है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे अपन, इंपॉर्टेंट चीजें देखना चाहेंगे कि जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है कौन थी। तो फ्लोरेंस नाइटेंगल जो थी वो एक ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट थी। क्या थी? ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट थी। अब ये बता देता हूँ इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है बोर्न बता देता हूँ, इनका जो जन्म है वो हुआ था 12 मई 1820 में। 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इनका जन्म जो हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 13 अगस्त 1910 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और देखते हैं कि इसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहलाता है। इसके अलावा और बताइए और इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। और इनकी डेथ कहाँ पर हुई, इनकी जो डेथ थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी लंदन में, यूके में इनकी जो है वो डेथ हुई थी। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में देखते हैं, इसे लेडी विद लैंप भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसे लेडी विद लैंप भी कहते हैं। मॉडर्न नर्सिंग नाम की थ्योरी दी थी उन्होंने, मॉडर्न नर्सिंग नाम की थ्योरी दी थी, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये कब दी थी? 1860 में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनके बारे में। इनका जो जन्म तो जो हुआ था वो 12 मई को हुआ था, इसलिए इनके जन्म के उपलक्ष में 12 मई को जो है अपन वर्ल्ड नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट और इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट चीज है, और इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अपन करने वाले हैं, वो क्या है?
चलिए देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज इनके बारे में। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी इन्होंने दी थी। यस, जो है फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। इसके अलावा फ्रेंड इसमें देखें अपन, फर्स्ट नर्स जो थी वर्ल्ड की, फर्स्ट नर्स इन वर्ल्ड, फर्स्ट नर्स जो थी वर्ल्ड की वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और जो है वो क्वेश्चन इजी रहता है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने क्या क्या किया था, कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, कब डेथ हुई थी, कहाँ पर डेथ हुई थी, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, फर्स्ट नर्स किसे कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं, नर्सिंग एजुकेशन को एस्टैब्लिश इन्होंने किया था। यस, अगर माने आप तो नर्सिंग एजुकेशन को डेवलप इन्होंने किया था। इसके अलावा फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी है, ये कर चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सभी को ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक बार देख लीजिए कि हु इज़ द लेडी विद लैम्प। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, लेडी विद लैम्प वाला जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनका जन्म कब हुआ था, 12 मई 1820 को हुआ था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इटली में हुआ था, और इनकी डेथ है वो 13 अगस्त 1910 को हुई थी लंदन में। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहलाती है अपनी जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी मॉडर्न नर्सिंग जो दी थी 1860 में वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। इसके अलावा बात करें अपन, फर्स्ट नर्सेज इन वर्ल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, नर्सिंग एजुकेशन को डेवलप किया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, वर्ल्ड नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपन कि द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश, कि द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टैब्लिश। नर्सिंग का जो ये रायपुर एम्स में आया क्वेश्चन है, नर्सिंग का पहला स्कूल जो है वो एस्टैब्लिश किया था किसने। पहला ऑप्शन आपके पास है वर्जीनिया एंडरसन, दूसरा है थियोडोर फ्लिडनर, तीसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चौथा है हैम्पटन। जल्दी सी राइट आंसर दीजिए मुझे, जल्दी करें बच्चों, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ वीडियो को जो है वो शेयर करना ना भूले, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जो साथी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से एमसीक्यू सेशन मिलने वाले हैं। अब टिल नॉर्थ सेट तक आपको यहाँ पर एमसीक्यू सेशन मिलेंगे, आप बस भरोसा रखें और आप है वो ईमानदारी से हमारा साथ दें। अगर आप मुझे मोटिवेट रखोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट डिलीवर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, फर्स्ट स्कूल जो था, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला जो स्कूल था वो एस्टैब्लिश किया गया था थियोडोर फ्लिडनर के द्वारा, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, हॉस्पिटल एंड, चलिए ये एक ट्रेनिंग सेंटर था और ये खुला था 13 अक्टूबर को, कब, 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर 1836 को ओपन हुआ था। ओके,
और इसके अलावा इसके अंदर जो है ट्रेनिंग किसने दी थी, ट्रेनिंग ट्रेंड नर्सेस बाय फ्लोरेंस नाइटेंगल, फ्लोरेंस नाइटेंगल के द्वारा, फ्लोरेंस नाइटेंगल ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु गेव थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो अभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आईपीआर जो थ्योरी है वो किसने दी थी। आईपीआर थ्योरी किसने दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर करें दोस्तों। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो थ्योरी है वो किसने दी थी, जल्दी से कमेंट में अपना अपना लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट कीजिए। देखिए जी आपको बताऊं, सॉरी, डोरोथी ओरम ने जो तो है क्या दिया था, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। कौन सी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें अपन कि आईपीआर थ्योरी जो है किसने दी थी, तो आईपीआर थ्योरी जो है दी थी, मैं आपको बता दूं इनका जो नाम था वो था हिल्डगार्ड पेपुलाउ, पेपुलाउ। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी 100% राइट है, कोई नहीं रोक सकता। और फ्लोरेंस नाइटेंगल के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ आपको मैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु गेव सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी। अभी बता कर आया हूँ सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किन्होंने दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डोरोथी ओरम ने, किन्होंने, डोरोथी ओरम ने दी थी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। डोरोथी ओरम क्या थे, एक नर्सिंग एजुकेटर थे, नर्सिंग एजुकेटर थे, और जिनका जन्म है, जिनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न, जिनका जन्म हुआ था सन 1914 में, सन 1914 में, जिन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन्होंने हिल्डबर्ग पेपुले ने क्या किया था, अभी बता कर आया हूँ इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो इन्होंने आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हेल्थ बिलीफ मॉडल डेवलप बाय, हेल्थ बिलीफ मॉडल किन्होंने डेवलप किया था, तो डोरोथी ओरम ने तो क्या किया था, सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, और फ्लोरेंस नाइटेंगल ने फाउंडर ऑफ नर्सिंग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, और हिल्डबर्ग पेपुले ने आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली थ्योरी दी थी। अब क्या बचा, पीछे बचे रोनस्टेक एट ऑल, क्या रोजेन स्टॉक एट ऑल बचा, जिन्होंने क्या किया था, हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट होने वाला है। हेल्थ बिलीफ मॉडल डेवलप कब हुआ था, हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है मैं बता दूँ थोड़ा आपको इसके बारे में, हेल्थ बिलीफ मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो डेवलप हुआ था 1950 में, डेवलप हुआ था 1950 में बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट, सोशल सोशल साइकोलॉजिस्ट रोजेन स्टॉक जो थे, रोजेन स्टॉक एटॉल जो थे
वो क्या थे, सोशियल साइकोलॉजिस्ट थे। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल इन्होंने एक्सप्लेन किया, हेल्थ सीकिंग और हेल्थ अवॉइडिंग बिहेवियर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ पैराडिगम ऑफ नर्सिंग। पैराडिगम ऑफ नर्सिंग के क्या क्या कंपोनेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पैराडिगम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि पैराडिगम क्या होता है। तो बता दूं आपको, कंसेप्चुअल डायग्राम या पैराडिगम जो होता है वो क्या कहलाता है, ये एक प्रकार का क्या होता है, पैटर्न होता है। ये एक प्रकार का पैटर्न होता है जिसके अंदर समथिंग ए वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, समथिंग ए वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, लुकिंग एट द वर्ल्ड। ये एक वे होता है संसार को देखने का, पैराडिगम। ठीक है, इट कैन बी लार्ज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज थ्योरी। और अब इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जो है इसके अंदर आते हैं। कंपोनेंट की मैं बात करना चाहूँ तो इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट आता है, तो पैराडिगम में पर्सन आता है बिल्कुल, हेल्थ भी आएगा, एनवायरनमेंट भी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग भी आएगा। तो ऐसे चारों कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट है इसके चारों के चारों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसे मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये मेटा पैराडिगम ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं, पैराडिगम ऑफ नर्सिंग भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सॉरी, कि प्रोफेशन इज डिफाइंड एज ऑक्यूपेशनल विद विच कंपोनेंट। कि प्रोफेशन को डिफाइन करते हैं एंड ऑक्यूपेशन विद विच कंपोनेंट। दीजिए राइट आंसर, इकोनॉमी, कोड ऑफ एथिक्स या फिर साइकोलॉजिकल सोशल। तो आपको बता दूं कि जो प्रोफेशन होता है वो डिफाइन होता है एथिक्स से, कोड ऑफ एथिक्स से डिफाइन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोड ऑफ एथिक्स। चलिए नेक्स्ट थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जस्टिस की बात करें, एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग की बात करें, जस्टिस की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जस्टिस क्या होता है, जस्टिस होता है केयर मस्ट बी फेयरली, केयर जो है वो ईमानदारी से फेयरली देनी है, इक्विटेबल एक समान देनी है, डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग द पेशेंट, जितने भी पेशेंट हैं जितने भी मरीज हैं उनको एक जैसी केयर, ईमानदारी से एक जैसी केयर देना जस्टिस होता है, किसी के साथ न्याय करना जस्टिस कहलाता है, न्याय करना। चले नेक्स्ट, बेनिफिशेंस का मतलब होता है डूइंग गुड थिंग्स एंड डूइंग राइट थिंग्स फॉर पेशेंट, कि अच्छा करना, अच्छा सोचना, डूइंग गुड थिंग्स और राइट थिंग्स, अच्छा और सच्चा सोचना फॉर पेशेंट के लिए, अच्छा बिहेवियर रखना, फायदा करना। बेनिफिशेंस मतलब होता है फायदा, पेशेंट का फायदा होना चाहिए उसमें, वो बेनिफिशेंस है। नॉन मालफिशेंस क्या होता है, कि डूइंग नो हार्म टू द पेशेंट,
कि पेशेंट को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए, मरीज को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो, वो नोर माल फिनेंस है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, नर्स अकाउंटेबल फॉर देयर नर्सिंग केयर के लिए नर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए। फिडेलिटी की बात करें, कीपिंग वंस प्रोमिस करना, खुद से प्रोमिस करना, वो फिडेलिटी आती है। नेक्स्ट ऑटोनॉमी क्या होती है, ऑटोनॉमी, पेशेंट हैज द राइट, पेशेंट का जो राइट है खुद का, स्वयं का जो राइट है वो ऑटोनॉमी में आता है। वेरासिटी की बात करें, वेरासिटी होती है टेलिंग द ट्रूथ, सच बोल देना, वो वेरासिटी के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इससे रिलेटेड, एक बार टॉर्ट देख लेते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। टॉर्ट के बारे में बता दूंगा आपको कि टॉर्ट जो होता है सिविल लॉ होता है, क्या होता है, सिविल लॉ होता है, और इसमें दो प्रकार के होते हैं टॉर्ट, अनइंटेंशनल, बिना कोई इंटेंशन के होते हैं, और एक होता है इंटेंशनली जो होते हैं। अब अनइंटेंशनल में दो आते हैं, माल प्रैक्टिस आता है एक, तो माल प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड केयर कि स्टैंडर्ड केयर में कमी होना, वो माल प्रैक्टिस है। नेग्लिजेंस क्या हो जाएगा कि केयर के दौरान ड्यूरिंग केयर केयर नॉट फॉलो स्टैंडर्ड या फिर कोई गलती हो जाना। नेग्लिजेंसी का मतलब है केयर के दौरान कोई गलती हो जाना, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, गलती होना नेग्लिजेंसी कहलाता है। इंटेंशनल मतलब सोच समझ कर किया जाता है, तो फॉल्स इम्प्रिसमेंट, झूठा दावा ठोकना, बोलना, असोल्ट करना। बैटरी क्या होता है, हार्म फिजिकली, हार्म फिजिकली। और डिफेमेशन होता है दो प्रकार का, एक लेबाइल होता है जो रेपुटेशन को कम करता है लिख कर और रिटर्न में, और स्लैंडर मतलब स्पोकन, बोलकर किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, ये आता है इसके अंदर। ये सिंपल वे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है अपना, कि विच एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू डूइंग गुड टू द पेशेंट, डूइंग गुड। अभी देखा अपन ने कि डूइंग गुड, इसमें होती है डूइंग गुड थिंग, डूइंग गुड जिसके किसी का मतलब बेनिफिट देखना है अपने को, या फिर किसी का फायदा देखना है, डूइंग गुड। ये बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, डूइंग गुड का मतलब है किसी का बेनिफिट होना चाहिए, तो बेनिफिशेंस इसका राइट आंसर होगा। जस्टिस में सबको एक समान केयर देना, ऑटोनॉमी में स्वयं को केयर देना, बेनिफिशेंस मतलब किसी का बेनिफिट होना चाहिए, नॉल माल फिनेंस मतलब किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, डू नॉट हार्म पेशेंट, हार्म पेशेंट, ये होता है, ये बेनिफिशेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा आपको अभी तक बताना जरूर। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन कर चुके हैं, चलिए डूइंग गुड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि डू नो हार्म, अभी बताया है कि डू नो हार्म विच एथिकल प्रिंसिपल, हार्म नहीं करेगा। ऑटोनॉमी तो होता है स्वयं केयर, सेल्फ केयर, ठीक है। जस्टिस होता है एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर, ठीक है। बेनिफिशेंस होता है बेनिफिट वाली, और डू नो हार्म नॉन मालफिनेंस, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, नॉन मालफिनेंस, डू नो हार्म, डू नो हार्म,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एन एथिकल प्रिंसिपल ओब्लिगेट्स ओब्लिगेट्स फेथफुलनेस टू द कमिटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बताइए क्या होगा एन एथिकल प्रिंसिपल, एन एथिकल प्रिंसिपल दैट ओब्लिगेट फेथफुलनेस, दैट ओब्लिगेट फेथफुलनेस टू कमिटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कमिटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं, इन दोनों तीनों को हम पढ़ चुके हैं, फिडेलिटी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। फिडेलिटी का मतलब होता है कि ओब्लिगेट फेथफुलनेस और कमिटमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना, वो फिडेलिटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ द नर्सिंग दैट डिस्क्राइब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेट, सेल्फ है ये, डेल्फ नहीं, ये सेल्फ है, सेल्फ डिटर्मिनेट, सेल्फ मतलब खुद का, स्वयं का, राइट मतलब सही निर्णय लेना, तो सही स्वयं का हो गया, तो स्वयं का तो ऑटोनॉमी में आता है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑटोनॉमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी, स्वयं का बेनिफिट होना, स्वयं की केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कीपिंग द पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन प्राइवेट मीन्स। बताइए दोस्तों कि कीपिंग रखना पेशेंट के पर्सनल एंड मेडिकल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने का क्या मतलब है, अकाउंटेबिलिटी है, यूनिटी है, कॉन्फिडेंशली है या फ्लेक्सिबिलिटी है। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए मुझे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। कीपिंग पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल, जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी, यूनिट, कॉन्फिडेंटली, फ्लेक्सिबिलिटी, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से पुट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट सेशन रखा गया है और आप सभी का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो दीजिए राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा कॉन्फिडेंटली, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंस रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन टू ए पेशेंट, किसी पेशेंट को रॉन्ग मेडिसिन देना इज कॉल्ड असोल्ट। असोल्ट का मतलब होता है, असोल्ट का मतलब होता है कि डराना, क्या बोलते हैं उसको, डराना, पेशेंट को डराना, ठीक है। बैटरी का मतलब होता है फिजिकली हार्म, फिजिकल हार्म। स्लेंडर का मतलब होता है कि स्पोकन बोलकर क्या करना, रेपुटेशन को डैमेज करना, रेपुटेशन डैमेज करना। बचा नेग्लिजेंस, क्या राइट आंसर होगा नेग्लिजेंस, क्या गिविंग रॉन्ग मेडिकेशन, गलत मेडिकेशन देना नेग्लिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा कि एन एंग्री नर्स, एक नर्स एंग्री है, डिफेमेस कर रही है द पेशेंट थ्रू हर कमेंट दैट इज रूड एंड डैमेज हर रेपुटेशन। उसकी रेपुटेशन को कमेंट कर क्या करके, कमेंट कर मतलब बोल करके क्या कर रही है, रेपुटेशन को डैमेज कर रही है। तो इसमें बोल करके करेगी स्पोकन स्लेंडर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर वो रिटर्न में करती तो लिबाइल आ जाता, रिटर्न में
अगर रिटर्न में करती तो लेबाइल आ जाता, अब स्पोकन बोलकर किया है, बोलकर किया है तो स्लेंडर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर करना, आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, जितने आपके पास ग्रुप्स है उन सभी में क्या करोगे, शेयर करोगे। और प्लीज चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब मुझे जो है वो मोटिवेशन देगा, मुझे जो है वो मोटिवेशन देता है। और इस घंटी को जरूर दबा देना, इस घंटी को जरूर दबा देना दोस्तों, इस घंटी को जरूर दबा देना प्लीज। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहने वाला है, जिस पर अपन काम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो रहेगा क्या, हॉस्पिटल सेटअप। एक तो हॉस्पिटल सेटअप, और इसके अलावा हॉस्पिटल सेटअप के अलावा टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन और हॉस्पिटल सेटअप पे जो है कल क्लास होने वाली है। और क्लास का टाइम जो है जल्द ही आपको क्लास का टाइम भी फिक्स कर देंगे। मैंने एक पोल डाल रखा है, उस पोल पर जाकर वोट करें आप, उस पोल पर जाकर वोट करें कि आपको क्लास कितने बजे चाहिए डेली। और जिस जिसका ज़्यादा पोल होगा, जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसी उसी टाइम क्लास का टाइम रख दिया जाएगा। अभी तो क्लास 12 बजे आ रही है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।